डाटा फॉर्मेट एंड इंस्ट्रक्शन एंड स्टोरेज मेमोरी। डाटा फॉर्मेट क्या होता है कि जो हमारा 8085 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है, इस प्रोसेस में हमें कुछ एडिशन सब्स्ट्रैक्शन कुछ प्रोग्राम करने पड़ते हैं, जिसके लिए हमें उसके डाटा फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें ASCII कोड्स आते हैं जो कि हमारे 7-bit अल्फ़ाबेटिक कोड्स होते हैं जो डेसिमल कोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCE ये सब कुछ भी होते हैं, ये हमारे ASCII कोड्स होते हैं। और हमारे नेक्स्ट है BCD कोड्स। BCD कोड्स हमारे बाइनरी कोड्स होते हैं जो कि 10 डिजिट्स होते हैं, जो कि 0 to 9 डिजिट्स होते हैं। इसमें 4 डिजिट्स की ज़रूरत होती है, 000 से 1001 तक, यानी जो 0000 है ये हमारे 0 को रिप्रेजेंट करता है और 1001 हमारे 9 को रिप्रेजेंट करता है। और इसके आगे जो नंबर्स आते हैं जो कि 1010 जो कि हमारे बाइनरी नंबर्स आते हैं, उनको हम ABC इस तरह से डिनोट करते हैं, लेकिन वो BCD कोड्स में नहीं आते। BCD कोड में सिर्फ 0 to 9 डिजिट्स आते हैं, डेसिमल 10 डिजिट्स आते हैं। नेक्स्ट है हमारे साइंड इंटीजर। जो हमारे साइंड इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को शो करते हैं, जो 8-bit प्रोसेस होता है। हमारे फ्लैग्स के जो D7 साइंस होते हैं, जो D7 बिट होती है वो 0 रिप्रेजेंट करती है अगर वो पॉजिटिव साइन होता है, और अगर नेगेटिव साइन होता है तो 1 रिप्रेजेंट करती है। और जो बाकी जो हमारे बिट्स होती हैं D0 से D7 तक, वो हमारे इंटीजर के मैग्नीट्यूड को साइन करती है। नेक्स्ट है हमारी अनसाइंड इंटीजर। वो इंटीजर्स जिनमें कोई साइन नहीं होता वो 8-bit माइक्रो प्रोसेसर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा लार्जेस्ट नंबर होता है FF, यानी कि 1111111, ये 8-bit माइक्रो प्रोसेसर रजिस्टर है जो लार्जेस्ट नंबर है। अगर हम इससे ऊपर जाएंगे तो हमें 8-bit की जगह 16-bit माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करना पड़ेगा, जो 16-bit 24-bit भी हो सकते हैं। हमें जो इंस्ट्रक्शन और स्टोरेज में हमें किसी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, इसमें हम एक चिप का यूज़ करते हैं जो कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज चिप होती है, जिसे हम मेमोरी कहते हैं। ये मेमोरी हमारे बाइनरी बिट्स को स्टोर करती है, और ये 8-bit रजिस्टर्स 1 एक दूसरे के ऊपर आपस में कंबाइन होते हैं। इसमें 4 रजिस्टर्स एक दूसरे के साथ आपस में कंबाइन होते हैं, जो 8-bit डाटा को स्टोर करते हैं, जो कि टोटल 32-bit मेमोरी चिप होती है इन सबको मिला के। और इसमें A0 और A12 एड्रेस बसेस होती हैं जो आइडेंटिफाई करती हैं हमारे 4 रजिस्टर को, और 8 डाटा लाइंस होती हैं जो 8 स्टोरेज डाटा बिट्स होती हैं। और ये 3 टर्मिनल्स होते हैं जो कि रीड राइट RD रीड WR राइट और SS चिप सिलेक्ट, ये सब कंट्रोल होते हैं हमारे डिज़ायर्ड एक्टिव लो से, यानी कि जो हमारे बार्स हैं इन सब के थ्रू हम इसको डिसाइड करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और इंडिकेट करते हैं बार के थ्रू। ये हमारे सिंबल के जो ऊपर जो बार दिया हुआ है उनके थ्रू इंडिकेट करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है चिप, ये आइडेंटिफाई करते हैं हमारे रजिस्टर्स को एंड स्टोर करता है हमारे रीड राइट 8-bit डाटा को एट ए टाइम, एक टाइम में 8-bit डाटा स्टोर करते हैं। और इसमें सिर्फ 4 ही रजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं, और इसका जो साइज़ होता है मेमोरी चिप का वो किलोबाइट और मेगाबाइट में होता है। ये है हमारा डाटा फॉर्मेट एंड इंस्ट्रक्शन एंड स्टोरेज मेमोरी। थैंक यू।